लैंग्वेज डिवेल्पमेंट ऑफ द चाइल्ड मॉड्यूल नंबर टू हंड्रेड नाइन टीचर ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स फॉर लैंग्वेज डिवेलपमेंट इन पाकिस्तान ये स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे टीचर ट्रेनिंग के प्रॉब्लम्स पर बात करनी है पाकिस्तान में जो इस सिलसिले में सूरत हाल है इस पर बात करनी है सो अफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग लैंग्वेज डिवेलमेंट इन स्कूल्स तो टीचर ट्रेनिंग जो है स्कूलों में लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से बहुत important है और वेल ट्रेन टीचर्स क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छे तरबियत याफ्तः उस बच्चों के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट फ्राहम करते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तानी लैक आ सफिशेंट फोकस ऑन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन तो लैंग्वेज की तदरीस में टीचिंग में जो पाकिस्तान में टी, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं उनमें काफ़ी उसके फोकस नहीं है उनकी काफ़ी स्ट्रेटजीज उनको नहीं सिखाई जाती और टीचर्स फेल टू रिसीव गुड ट्रेनिंग और गुड ट्रेनिंग हासिल करने में वो नाकाम रहते हैं इसलिए कि वो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम उनको मुकम्मल फैसिलिटीज़ नहीं फ्राहम करते इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन लैंग्वेज टीचिंग मैथडॉलॉजीज़ टीचर आ, रिसीव इन ट्रेनिंग ऑन लैंग्वेज टीचिंग मैथडॉलॉजीज़ तो गैर मौजू या गैर, गैर मुनासिब टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग की फैसिलिटीज़ को ट्रेनिंग की वो नहीं हासिल कर पाते और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रूवन अप्रोच फॉर टीचिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल्स तो ये चारों अप्रोच सिखाने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती और वो प्रॉपर तौर पर इन चीज चारों की टीचिंग में वो uh, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते और प्रोग्राम्स नोट नाट एक्स, एक्सपोज इनोवेटिव जो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं वहाँ टीचर्स को uh, जो इनोवेटिव और जदीद मैथड से का तारफ़ नहीं कराया जाता और लिमिटेड एबिलिटी टू इनकॉपरेट मॉडर्न टेक्निक्स तो उनके लिए वहाँ लिमिटेड मैथडोलॉजीज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मॉडर्न मैथडोलॉजीज को uh, सीखने की और अपने टीचिंग में इनकॉप्रेट करने की इन इनएडिकुट टाइम एंड रिसोर्स रिसोर्स फॉर ट्रेनिंग तो टीचर ट्रेनिंग के हवाले से uh, ये देखें टीचर्स फेस्ट uh, टाइम एंड रिसोर्स कंसेंट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और टीचर्स को अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से या उस सिलसिले में उसमें उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो इस पर कम तोजो देते हैं और लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड होती हैं जो पहले ही वो टीचर ट्रेनिंग उन्होंने किया होता है प्री सर्विस टीचर का वही उन्होंने किया होता है और उसके बाद वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौक़े उनको मुहैया नहीं होते और इस वो महरूम रहते हैं तो ये चीज़ें उनकी लैंग्वेज की टीचिंग में और बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की एबिलिटी में रुकावट बनती हैं और फिर उनका जो करंट पैडागोजिकल प्रैक्टिस हैं वो उनकी डेवलप नहीं होती ना वो उनको यूज़ करते हैं मॉडर्न मैथड्स को लैक ऑफ ऑन गोइंग प्रोफेशनल डिवेलपमेंट जैसे अभी बात हुई थोड़ा कि उनको एक्सेस एकसे, नहीं होती टीचर्स की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के साथ वैसे तो पाकिस्तान में ये जो ब्रिटिश कौंसिल भी ये काम कर रही है इस सिलसिले में डायरेक्ट्रेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट जिसको अब कायद अकेडमी कहा जाता है तो वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स वो कर रही है लेकिन वहाँ तादाद जो है टीचर्स की ट्रेनिंग का वो महदूद रहती है हाँ कुछ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इस मसले में काम कर रही हैं लेकिन ये मौाक़ बढ़ाने की ज़रूरत है इसमें मैसिव लेवल पे उनकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूस मैथडोलोजीज़ वो सीखनी चाहिए उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की उनको इम्प्रूव करते रहना चाहिए और लैक ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग तो ख़ास तौर पर लैंग्वेज के हवाले से उनकी ट्रेनिंग में कमी है कोलेबरेशन एंड सपोर्ट नेटवर्कस तो कोलेब्रेशन कोलाबरेटिव नेटवर्कस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इनकी की तादाद इनक्रीज करनी चाहिए और उनको ये महदूद हैं पाकिस्तान में वैसे तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन हैं लेकिन वो तादाद उनकी कम है और गोरमेंट जो है वो उनको अपनी पैटनाइज़ करते हुए नैटवर्क बनाने चाहिए और रिक्वायर प्लेटफॉर्म्स प्रोड्यूस करने चाहिए उनको उनकी पटनाइजेशन करनी चाहिए ताकि वो टीचर्स uh, के लिए वो फैसिलिटीज़ बढ़ाएं प्रैक्टिस उनकी बेहतर करें और उनके एक्सपीरियंसिस को बेटर बनाएँ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के हवाले से और नीड फॉर कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ प्रटाइज लैंग्वेज तो कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज पॉलिसी को गवर्नमेंट ने लैंग्वेज पॉलिसी तो है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना चाहिए और इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से वो फ़राहम करनी चाहिए और रिसोर्स और सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड ख़ास तौर पर जो लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो स्कूलों में कायम करनी चाहिए उनको सिखाने के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग के हवाले से उनकी प्रैक्टिस के तो ये बहुत टीचर ट्रेनिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करने करना चाहिए और ये जो प्रॉब्लम्स की तफसील मैंने आप ही आपके सामने रखी है